जनपद उन्नाव के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक खिलौली की ग्राम पंचायत करदहा में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र सोनी की अगुवाई में डीजे ढोल नगाड़ों के साथ पैदल रथ यात्रा निकाली गई, जो कि पंचायत के सभी मंदिरों में होते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद राजा की कोठी स्थित शिव मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन के साथ साथ भंडारे का भी व्यवस्था की गई। भंडारे में प्रसाद के बाद राम नाम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। प्रधान जी, आज 500 वर्ष पुराना इंतजार खत्म रहा, क्या कुछ खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हमको बहुत खुशी हुई है कि आज 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है और सभी गाँववासियों का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ। और जितने भी राम भक्त हैं और हमारे यहाँ एक सुंदरकांड की कमेटी है, हम उन सभी प्रेमियों को एक सुंदरकांड भी गिफ्ट तौर पर दे रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर खुशी की बात की जाए तो आज अयोध्या में मानो एक तरह से दिवाली है, अपने यहाँ का क्या माहौल रहा, क्या कुछ कार्यक्रम किए गए, पदयात्रा भी गांव में निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रथ यात्रा निकाली गई है भगवान राम की बड़ी प्रतिमा के साथ, और हमारे गांव में और लगभग हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आज दिवाली जैसा पर्व मनाया जा रहा है। कहते हैं अयोध्या को सजाया है, काशी को सजाया है और अब मथुरा को सजाएंगे, क्या उत्साह है आपके मन में? हम यही इच्छा है कि मथुरा को भी सजाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन कुमार मिश्रा है, मैं करदहा का निवासी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, आज ये पावन पवित्र पावन पवित्र नहीं होता है ये इसलिए कि प्रभु का आगमन हुआ है और वर्षों के इंतजार से आंखों में आंसू निकलते निकलते आंखें खराब हो गई, लोग नीरस हो रहे थे, लोग एक तरीके से आशा उनकी टूट चुकी थी। हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार से इस आशा को प्रज्वलित किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हिलौली उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।